जय शनिदेव मित्रों, मैं सचिन शर्मा आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। शनिदेव से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोगों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें और आप सभी लोगों की मनोकामना पूर्ण करें। मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स का धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोगों का सपोर्ट मुझे ऐसे ही मिलता रहेगा। हम इस वीडियो में सिर्फ मिथुन लग्न के जातकों के लिए मार्च 2023 कैसा रहेगा, सिर्फ उस पर चर्चा करेंगे। मार्च के महीने में सूर्य और मंगल का बहुत ही महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन होगा। मंगल मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जिसके कारण ये गोचर आप लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण गोचर रहेगा। और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इन सभी राशि परिवर्तन का आप लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो यदि आप अगले महीने अपना वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं और अपने प्रश्नों के उत्तर जल्दी चाहते हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, जिससे आपको भी लाभ हो सके और अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। इस वीडियो के अलग अलग सेक्शन में हम चर्चा करेंगे आपके कैरियर संबंधित मार्च का महीना कैसा रहेगा, आपके फाइनेंस संबंधित मार्च का महीना कैसा रहेगा, आपके रोमांस संबंधित मार्च का महीना कैसा रहेगा, आपके फैमिली संबंधित मार्च का महीना कैसा रहेगा, आपके स्वास्थ्य संबंधित मार्च का महीना कैसा रहेगा, आपको किस रंग के वस्त्र किस दिन धारण करने से लाभ हो सकता है और किस दिन आपको किस रंग के वस्त्र धारण नहीं करने, और अंत में हम चर्चा करेंगे उन महत्वपूर्ण उपायों की जिन्हें मार्च के महीने में करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। तो यदि आपकी कुंडली के प्रथम भाव में 3 नंबर लिखा है और उसके साथ उसी भाव में LA लिखा है, जैसा कि आप देख रहे हैं, और यदि आप अपनी कुंडली हिंदी में देख रहे हैं तो वहाँ प्रथम भाव में LA के स्थान पर हिंदी में ल लिखा होगा, तो यह मासिक राशिफल मार्च 2023 आपके लिए है। बाकी सभी लग्न के लिए आप मेरे दूसरे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सर्वप्रथम बात करते हैं आपके कैरियर संबंधित मार्च का महीना कैसा रहेगा। 1 से 13 मार्च तक का समय आपकी कुंडली कुछ इस प्रकार दिखेगी जैसा आप देख रहे हैं। इस समय में शनि और सूर्य की युति कुंडली के नवम भाव में रहेगी, जिसके कारण ये समय आपके भाग्य संबंधित कुछ सकारात्मक फल आपको दे सकता है। इस समय आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में आकर किसी प्रकार का कोई गलत निर्णय ना लें, क्योंकि ये समय आपको दूसरों से मिलने वाली सलाह को नकार सकता है। अर्थात आप दूसरों के द्वारा मिली गई सलाह को नहीं मानेंगे, जिसके कारण कुछ मानसिक तनाव बढ़ सकता है। आपके आत्मबल में बहुत अधिक वृद्धि हो सकती है। ये समय आपके छोटे भाई बहनों के साथ किसी प्रकार के कार्य को आगे लेकर जा सकता है, उसमें कुछ शुभ फल मिलने की संभावना रहेगी। ये समय आपकी यात्राएं आपके कार्य में आपके बिजनेस में बढ़ सकती हैं। जो जातक सरकारी नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये समय आपका भाग्य आपका साथ देता दिखाई देगा। वर्तमान समय में मंगल आपकी कुंडली के 12वें भाव में है और 6ठे भाव के स्वामी हैं, जिसके कारण ये समय आपका वर्कलोड बहुत अधिक बढ़ा सकता है, जिसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ने की संभावना रहेगी। इस समय आपकी भागदौड़ी बहुत अधिक बढ़ सकती है। आपके वीज़ा संबंधित कोई समस्या यदि बनी हुई थी तो उसमें सकारात्मक फल आपको देखने को मिलेंगे। मंगल का 12वें भाव में होना ये आपको अधिक उग्र भी बना सकता है, जिसके कारण आपको किसी प्रकार की कानूनी समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है। थोड़ा सतर्क रहें, ये समय ऐसे लोगों को बहुत ही शुभ फल दे सकता है जो जातक किसी प्रकार का कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं। यदि आप किसी प्रकार के ऐसे कार्य में हैं जिसमें विदेश जाना पड़ता है, या हम कहें विदेश से संबंधित किसी कार्य में आपको अच्छे फल मिल सकते हैं। इसका आपके पारिवारिक जीवन पर और आपके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर हम अपने आगे के सेक्शन में चर्चा करेंगे। वर्तमान समय में राहु आपकी कुंडली के 11वें भाव में है। ये आपके मस्तिष्क में किसी प्रकार के भ्रम को उत्पन्न कर सकता है। आप किसी प्रकार के भ्रम का शिकार हो सकते हैं। यदि आप शेयर ट्रेडिंग में हैं तो थोड़ा सावधान रहें। किसी भी प्रकार का जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपको परेशानी में डाल सकता है। यदि आप अपने मित्रों के साथ किसी प्रकार का कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें तनाव अत्यधिक बढ़ सकता है, थोड़ा सावधान रहें। वर्तमान समय में शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में आपकी कुंडली के 9वें भाव में होंगे, जहाँ से शनिदेव की दृष्टि कुंडली के 3रे भाव पर और 6ठे भाव पर भी होगी। इस समय आप यदि किसी प्रकार का कोई चैरिटी का कार्य, जैसे गरीब बच्चों को शिक्षा देना अथवा मुफ्त में दवाइयां बांटना जैसा कार्य अपनी पैतृक संपत्ति से करते हैं अथवा अपने घर से करते हैं, तो ये आपको अत्यंत फल शुभ फल दे सकता है। पिछले कुछ वर्षों से यदि आपको लगता था कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, आप कुछ कर सकते हैं यदि आपका भाग्य आपका साथ दे, तो ये वो समय रहेगा जब आपका भाग्य आपका साथ देगा। आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, आप में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। यदि पिछले कुछ समय से आप कुछ नया कार्य करने का प्रयास कर रहे थे और वो आत्मविश्वास नहीं जुटा पा रहे थे उस कार्य को आगे लेकर जाने में,
तो ये वो समय रहेगा जब शनिदेव आपका साथ देंगे। आपकी नौकरी में किसी प्रकार की लंबी यात्रा अथवा विदेश यात्रा होने की संभावना बहुत प्रबल रहेगी। शनिदेव का नवम भाव में होना ऐसे जातकों को बहुत ही शुभ फल दे सकता है जो जातक राजनीति से जुड़े हैं, पब्लिक डीलिंग जैसे कार्य से हैं, धर्मगुरु हैं, आप बड़ी सभाओं को संबोधित करते हैं, धार्मिक कार्यों से जुड़े हैं, आप किसी प्रकार के एनालिसिस के कार्य से जुड़े हैं, आप यदि सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़कर किसी प्रकार का कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपको अच्छे फल यहाँ देखने को मिल सकते हैं। वर्तमान समय में गुरु अपनी ही राशि मीन राशि में आपकी कुंडली के दशम भाव में है, जहाँ से गुरु की दृष्टि आपकी कुंडली के चौथे भाव पर, दूसरे भाव पर और छठे भाव पर होगी, जैसा आप इन एरो की मदद से देख रहे हैं, जिसके कारण आपके कैरियर में एक स्थिरता आती दिखाई देगी। पिछले कुछ समय से यदि आपका मानसिक तनाव आपके कैरियर को लेकर बना हुआ था, आपके बिजनेस को लेकर बना हुआ था, तो वो दूर होता दिखाई देगा। जो जातक किसी प्रकार की प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं, जो जातक किसी प्रकार का कोई वाहन खरीदना चाहते हैं, ऐसे जातकों को कुछ शुभ फल मिल सकते हैं। आपको आपके जन्म स्थान पर अर्थात अपने ही देश में कुछ शुभ अवसर मिलने की संभावना बहुत प्रबल रहेगी। 14 से 31 मार्च का समय आपकी कुंडली को जिस प्रकार दिखेगी, जैसा आप देख रहे हैं, इस समय सूर्य दशम भाव में गोचर करेंगे। सूर्य का दशम भाव में होना आपके कैरियर संबंधित कुछ शुभ फल देता दिखाई देगा। ये आपको नौकरी में कुछ शुभ अवसर प्रदान करेगा। पिछले कुछ समय से यदि आप नौकरी ढूंढ रहे थे तो ये वो समय रहेगा जब आपको सफलता मिलने की संभावना प्रबल रहेगी। यह आपको किसी प्रकार का प्रॉपर्टी संबंधित लाभ दिलवा सकता है। जो जातक सामाजिक कार्यों में हैं, जो जातक एनजीओ चलाते हैं, जो जातक प्रॉपर्टी डीलर हैं, जो जातक सरकारी नौकरी में हैं, इस प्रकार के जातकों को कुछ शुभ फल देखने को मिलेंगे। वर्तमान समय में राहु और शुक्र की युति आपकी कुंडली के 11वें भाव में है, जो हमारी भौतिकी दुनियाओं की इच्छाओं का भाव है, जिसके कारण यह आपको भौतिकी दुनियाओं की इच्छाओं को जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए उग्र बना सकता है, जिसके कारण आप कुछ गलत निर्णय भी ले सकते हैं। जैसे आप कोई ऐसा कार्य करने के लिए विवश हो सकते हैं, बाध्य हो सकते हैं, जिससे पैसा तुरंत बने, परंतु इस प्रकार का कोई कार्य आपको परेशानी में डाल सकता है, मानसिक तनाव बढ़ा सकता है। इस समय आप किसी प्रकार के प्रलोभन से स्वयं को दूर रखें। ये समय ऐसे जातकों को कुछ शुभ अवसर भी प्रदान कर सकता है। जो जातक मीडिया में हैं, फैशन इंडस्ट्री में हैं, कॉस्मेटिक के व्यापार में हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, इस प्रकार के कार्यों में आपको सफलता मिलने की संभावना प्रबल रहेगी। मंगल का गोचर आपकी कुंडली के लगन भाव में होगा, जहां से मंगल की दृष्टि कुंडली के चौथे भाव पर, सप्तम भाव पर, अष्टम भाव पर रहेगी। मंगल आपकी कुंडली के छठे भाव के स्वामी हैं, जिसके कारण ये समय आपकी निर्णय लेने की क्षमता में कमी कर सकता है। इस समय आप अपने कैरियर के प्रति किसी प्रकार का कोई गलत निर्णय लेने के लिए बाध्य हो सकते हैं। ये समय आपके पार्टनरशिप बिजनेस संबंधित भी तनाव थोड़ा बढ़ा सकता है। आपके पार्टनर्स के साथ संबंधों में तनाव बढ़ने की संभावना बहुत रहेगी। इसका आपके फैमिली लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर हम अपने आगे के सेक्शन में चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके स्वास्थ्य संबंधित ये महीना कैसा रहेगा। 14 मार्च तक का समय आपको नींद आने में समस्या हो सकती है। आपको मस्तिष्क से संबंधित कोई रोग अधिक परेशान कर सकता है। मान लीजिए आपको माइग्रेन है, डिप्रेशन जैसी समस्या है, तो थोड़ा सतर्क रहें। 16 मार्च के बाद का समय आपको घुटनों से संबंधित कोई समस्या बढ़ सकती है। 17 से 19 मार्च का समय आपके पेट से संबंधित किसी प्रकार का रोग बढ़ सकता है। आप इस समय बाहर का भोजन अथवा अधिक मसालेदार भोजन से बचें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके फाइनेंस और वित्त संबंधित ये महीना कैसा रहेगा। 16 मार्च के बाद का समय आपको किसी प्रकार का प्रॉपर्टी संबंधित लाभ अथवा वाहन संबंधित लाभ होने की संभावना रहेगी। इस समय आपका मानसिक तनाव आपके वित्त को लेकर दूर होता दिखाई देगा। आपके सेविंग्स में धीरे धीरे वृद्धि होती दिखाई देगी। 12 से 16 मार्च को आपको धन संबंधित मानसिक तनाव बढ़ सकता है। इस समय आपके खर्चे अत्यधिक बढ़ सकते हैं। इस समय किसी प्रकार की धन हानि होने की संभावना भी रह सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके रोमांस और प्रेम संबंधित ये महीना कैसा रहेगा। मार्च के महीने में राहु और शुक्र की युति कुंडली के 11वें भाव में बनेगी, जिसके कारण ये समय किसी प्रकार के प्रेम संबंधों में आपको बांध सकता है। जो जातक रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए 17 मार्च के बाद का समय तनाव थोड़ा बढ़ा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपकी फैमिली संबंधित ये महीना कैसा रहेगा।
मार्च का महीना आपके वैवाहिक जीवन संबंधित तनाव थोड़ा बढ़ा सकता है। आपके वैवाहिक जीवन संबंधित सकारात्मक समय नहीं है, आपको इस समय थोड़ा संयम रखना होगा, अन्यथा ये समय आपके रिश्तों में दरार उत्पन्न कर सकता है। 13 मार्च के बाद का समय आपके बच्चों के साथ तनाव थोड़ा कम होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि किस दिन किस रंग के वस्त्र धारण करने से आपको लाभ हो सकता है और किस रंग के वस्त्र आप इस महीने में ना धारण करें। मार्च के महीने में आप लाल रंग के वस्त्रों को ना धारण करें। इस महीने में आप पीले रंग के वस्त्र और गहरे नीले रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उन महत्वपूर्ण उपायों की जिन्हें मार्च के महीने में करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। आप केसर डालकर दूध का सेवन अवश्य करें। आप 10 मार्च को प्रातः 6:40 से शाम 6:20 के बीच एक लाल रंग का वस्त्र जो कि 1.25 मीटर होगा, 11 हनुमान 40 और 250 ग्राम लाल मसूर की दाल का दान हनुमान जी के मंदिर में अवश्य करें। आप 19 मार्च को प्रातः 6:45 से शाम 6:15 के बीच 1.25 मीटर हरे रंग का वस्त्र किसी गरीब को दान करें और 1 नारियल बहते जल में प्रवाहित करें। जिन जातकों का विवाह नहीं हो पा रहा है उन्हें 4 मार्च और 19 मार्च को प्रदोष व्रत करना है। इस दिन आप सूर्य उदय होने से पूर्व उठें, स्नान करें, शिव मंदिर जाएं, वहां बैठकर आपने 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप आपने करना है। इस दिन आप शिव चालीसा पढ़ें, छोटी कन्याओं को भोजन खिलाएं, इससे आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। विवाह में जो भी अड़चने आप फेस कर रहे हैं वो आपकी दूर होती दिखाई देंगी। तो ये थे वो महत्वपूर्ण उपाय जिन्हें मार्च के महीने में करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। तो ये था मिथुन लग्न के जातकों के लिए मार्च 2023 कैसा रहेगा। शनिदेव आप सभी लोगों पर अपना आशीर्वाद बनाकर रखें। धन्यवाद।